हमारे साथ कर्नल अजय जैन जुड़ चुके हैं, एक बार हम उनका भी स्वागत करते हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फ्राइडे को आपकी वेट रहती है कि जैसे फ्राइडे होता है तो आज जैन साहब हमारे साथ होंगे और आज कुछ ना कुछ हमको इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेगा। तो आपकी रीडिंग्स क्या हैं सर? सीधा बहुत ही सरल सीधा सवाल, आपकी रीडिंग क्या है? नेक्स्ट वीक बाजार क्या कर सकता है? बाजार और चलेगा, टूट सकता है, क्या होगा? जरा अपनी रीडिंग्स बताइए सर। शुक्रिया रिम्पी जी मुझे शो में जोड़ने के लिए, और फाउंडर इंडिया और सभी दर्शक मित्रों को कर्नल अजय की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन। देखिए रिम्पी जी, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, जो गृह स्थिति नज़र आ रही हैं, अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मंगल ग्रह के लिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सैटर्न यानी शनि के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सूर्य के लिए। इन सब का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बाजार के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर मुझे लगता है इजाफा हो सकता है, जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ सकते हैं। यद्यपि बाजारों के अंदर जीडीपी डाउन है, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव नहीं है, और आपको याद होगा कि पिछले लगभग 2-3 प्रोग्राम के शिफ्ट में हमने साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर भी विशेष चर्चा की थी, और जो आंकड़े अभी प्रस्तुत हुए हैं राजस्थान के अंदर लगभग 25-27% कम बरसात दर्ज हो रही है, 31 जिले सूखा या कम बरसात के लिए घोषित हो चुके हैं, केरला के अंदर, मणिपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी, इन सब के अंदर जो कि खरीफ के फसलें बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो एरिया हैं उसके अंदर कम बरसात हुई, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर ओवर फ्लडेड भी आया है। लेकिन जो मेन सोइंग वाले हैं, जहां जो खरीफ की फसल जो मानसून पे निर्भर रहने वाले हैं, वो इलाके आज बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये सीडिंग का टाइम होता है, बिजाई का समय होता है, और इस समय यदि बरसात कम होती है या औसत से कम होती है तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे बाकी जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जियोपॉलिटिकल ग्लोबल टेंशन जो हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिकल टेंशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डाटा, ऑल जो हैं वो एक ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन कुछ सकारात्मक अचानक से जब बाजार गिरने का होता है, और कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जरिए दर्शकों को कहना चाहता हूँ, उस वक्त कोई ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई तुर्रा, ऐसी कोई फुरफुरी आ जाती है और निवेशक उन सब चीज़ों को गौण करने लगता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का एक अहम थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण था, लेकिन अब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन में लेके आना है। हमारे नीति निर्माता और फाइनेंशियल्स जो देश के हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खराब हो, लेकिन मेरा एक प्रश्न और एक जिज्ञासा जरूर है कि घाटे वाले पीएसयू बैंक को कितने लोग और कितने बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, एक सवाल है। आपका जो अहम सवाल है, अगले सप्ताह क्या बन सकता है? देखिए, इन स्तरों के ऊपर निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, इन स्तरों के ऊपर, इन सब ग्रह स्थिति और फाइनेंशियल डाटा के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस स्तरों पर फ्रेश निवेश करना उचित नहीं है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर आप देखें तो वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम शेयर हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं ये, लेकिन ट्रेडिंग का है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बिल्कुल माकूल समय नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पता करना चाह रहा था आपसे। कल परसों ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, आधा अधूरा आपके सामने बात रख रहा हूँ। हेडलाइंस उसमें ये थी कि जो सिल्वर है वो आगे चल के नया गोल्ड बनने जा रहा है, यानी कि जो सिल्वर के प्राइजेस होंगे वो बहुत ऊंचे हो सकते हैं और बहुत बेहतर हो सकते हैं, यानी कि उसमें चमक और तेज़ी से होगी। तो ये इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर कि बुलियंस के अंदर आगे चल के दाम बढ़ेंगे? वैसे ऑलरेडी आप गोल्ड का एक बार हमको बता ही चुके हैं लेवल कि 60,000 तक आपको सोने का दाम मिलेगा तोले के हिसाब से, तो मेरे को जरा सिल्वर पे भी आपका व्यू चाहिए था।
देखिए, सिल्वर जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल है, मैं इसको बुलियन के अंदर तो बिल्कुल रखना बिल्कुल पसंद करता ही नहीं, क्योंकि सिल्वर का जो उपयोग है वो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल उसका यूजेज अधिक है एज कम्पेयर टू उसका ऑर्नामेंटल और इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हैं। गोल्ड के अंदर आपको याद होगा मैं बुलिश था $1900 और उससे भी ज़्यादा $2000 के लिए ऑलरेडी मैं आपसे आप ही के प्रोग्राम में कह चुका हूँ। और सिल्वर के अंदर जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि सिल्वर शाइन कर सकती है क्योंकि साथ साथ चलती है, लेकिन गोल्ड के अंदर अधिक ध्यान रहना आवश्यक है क्योंकि ये डिजिटल करेंसी का भी काम करती है, ये हेज का भी काम करती है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिकल टेंशन और ये सब गोल्ड के अंदर है। सिल्वर के अंदर यदि इकोनॉमी डाउन होगी या परेशानियां होंगी तो ये मान के चलिएगा कि सिल्वर के अंदर संभवतः आपको गोल्ड से ज़्यादा नहीं रिटर्न है। यदि 3 साल का रिटर्न देखें गोल्ड का तो आपको गोल्ड का रिटर्न अधिक है, सिल्वर का अधिक है। यदि आप ईयरली देखें तो पिछले 1 सप्ताह के अंदर गोल्ड सिल्वर ने गोल्ड को ओवर जंप किया, लेकिन कुल मिला के मेरा नज़रिया और तजुर्बा ये कहता है कि आपको गोल्ड के ऊपर दाव लगाना चाहिए। सिल्वर के यदि सिल्वर और गोल्ड के अंदर दो के अंदर यदि आपको चूज करना हो तो आपको गोल्ड पे करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के ETF भी उपलब्ध हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी उपलब्ध हैं और गोल्ड के बार भी उपलब्ध हैं। खैर, सिल्वर के भी बार उपलब्ध हैं लेकिन गोल्ड के अंदर तो ज़्यादा उचित है। खैर, हम चार्ट के जरिए भी देख पा रहे हैं सर सिल्वर गोल्ड का, एक बार आप जरा चार्ट भी दिखाएं ताकि हम तीन साल का आप चार्ट देखें गोल्ड और सिल्वर का तो आपको गोल्ड बाजी मारता हुआ नजर आएगा। नहीं, आप भी सही कह रहे हैं सर, मेरे को भी ये दिख रहा है कि पिछले 3 साल के अंदर आपको सिल्वर और गोल्ड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गोल्ड के प्राइजेस भी आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, आप गोल्ड के प्राइसेस भी देख पा रहे हैं, अब जो 50,000 के ऊपर आ चुका है वापस से जी खरीदारी हुई है, 50,000 अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,700 चल रहा है बकायदा, ठीक है। तो सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे और चीज़ जानना चाह रहा था कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत रेज हो सकती है या आ सकती है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का लेवल क्या रहेगा, ये ज़्यादा गंभीर है या फिर एक छुटपुट घटना हो सकती है? देखिए, क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था या कोई एक महत्वपूर्ण इवेंट आने वाला होता है तो उसमें आम जनता का ध्यान भटाने के लिए, उनका एक अपनी लीडरशिप साबित करने के लिए अक्सर जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज देखे जाते हैं, ये पिछला तजुर्बा कहता है। अब अमेरिका चाइना में आप देखिए, अमेरिका चाइना के अंदर जो स्थिति बन रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेंशन बढ़ सकती है। इंडो चाइना के बीच के अंदर भी बॉर्डर टेंशन आपके सामने है, जबकि दो महान सभ्यताएं एशिया की जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध की उपदेशों को समानने वाले हैं और दोनों ही ऐसी अर्थव्यवस्था है जो राइजिंग इकोनॉमीज हैं, और यदि उनके बीच में किसी भी तरह का क्लैश है तो दोनों ही अपनी मौजूदा हालत से 3 से 4 दशक पीछे जा सकती है। उसके बावजूद भी ये एक विकास की बात नहीं करके, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विकास और विस्तार के बारे में किया, तो मुझे लगता है कि जो आने वाला जो समय है उसको ध्यान में रखते हैं कि अमेरिका और चाइना के अंदर टेंशन कुछ बढ़ सकती है, कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इंडो चाइना के अंदर भी कुछ टेंशन्स बढ़ सकती हैं, कुछ गर्मी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो नोटिस करवाया। अच्छा, मैं चलते चलते ना एक चीज़ आपसे और पता करना चाहता हूँ, तो मैं से आज मिस हो गई और मैं भी चाहता हूँ कि शायद वो दर्शक एक बार जान ले उसको, वो क्या है थीम, अगर आप मेरे को बहुत संक्षिप्त में बता पाएं कि नेक्स्ट वीक की थीम में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी और क्या चीज़ मतलब जिस पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, बिल्कुल, जो डिफेंस सेक्टर है
डिफेंस सेक्टर एक बहुत अहम सेक्टर होगा अगले वीक के लिए, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। मेटल्स के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, अच्छा। इसके ऊपर आप नज़र रखें। मेटल और डिफेंस स्टॉक्स जो हैं ये मुझे अगले सप्ताह के लिए मुझे मजबूती दिखाई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने और बताई कि मेटल्स पे और डिफेंस वाले शेयर्स पे, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा इन्हीं शेयर्स पे। जरा BEML का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, भारत फोर्ज आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये सारे के सारे शेयर्स कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़े हुए हैं। डायनामिक भारत करके भी एक कंपनी है, तो वो भी चल सकती है। तो एक सभी के सभी शेयर्स कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आपको दिखेंगे। तो आपको एक मजबूती वाला शेयर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील, दोनों आप देख सकते हैं। JSW स्टील, वो भी एक बार जरा देख लेते हैं। सारे के सारे चार्ट हम फटाफट से देखते चल रहे हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं। अभी तो कुछ नोटिस नहीं हो रहा, बट हाँ आगे हफ्ते अगले वीक हम इस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, आपने हमको थीम बताई, आपने हमको ये बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो सकते हैं, बी अवेयर। हमने बकायदा कल हेडलाइंस ली थी, बताया भी था दर्शकों को कि 40,000 से ज़्यादा ट्रूप अभी भी बॉर्डर पे खड़े हैं। चाइना चाहे तो 2,00,000 ट्रूप्स को इकट्ठे कर सकता है, कल हमने हेडलाइंस ली बकायदा। ये तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी आपने जो हमको रेज करवाई थी। डिम्पी जी, चलते चलते मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। 99 के अंदर जो करगिल का जो एपिसोड था उसको देखिए कि हमारे विरोध पाकिस्तान खड़ा था। पाकिस्तान को उस समय कहीं कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था और पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका था कि ये ट्रुप्स हमारे नहीं हैं, और वो ऑफिशियली उनको मदद भी नहीं कर पा रहा था, चाहे एयर की हो चाहे लैंड की हो। उसके बावजूद भी वहाँ के ट्रुप्स को हटाने के लिए कितना लंबा समय हमें लगा था, कितने हमारे बहादुर ऑफिसर जवान और जवानों ने शहीदी दी थी और अपने मातृभूमि पे उन्होंने जाने निछावर की थी। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, क्योंकि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है बॉर्डर के अंदर, वो एक छोटा मोटा इवेंट नहीं होता है, उसमें महीनों लगते हैं। और जब हमारे सामने चाइना जैसा चालबाज देश हो, खुराफाती देश हो, तो समय और ज्यादा लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सीरियसनेस कितनी बढ़ जाती। अभी समय है नेतृत्व का, अभी समय है मतभेदों को भूलने का, मनभेद का भूलने का, और पूरे राष्ट्र को एक साथ मिलकर इस विपदा का मुकाबला करने का। धन्यवाद। बिल्कुल सर, एग्री पॉइंट। मैं बिल्कुल, और मैं ये कह सकता हूँ कि जैन साहब इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि जैन साहब कर्नल रहे हैं आर्मी के अंदर, अभी हाल ही में रिटायर हो गए। तो एक फौजी जो आपको ग्राउंड रियलिटी दे सकता है ना, वो आपको बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े नाम आपको नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका आज फिर से कार्यक्रम में जुड़ के थीम वगैरह बताने के लिए।